गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स में, जो कि है ग्राफ प्लॉटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। ग्राफ प्लॉटिंग में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ है ग्राफ, तो उस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को यूज करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। कोई अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, उसमें एक्सेलरेशन है या उसमें रिटार्डेशन है, तो फिर उसका ग्राफ कैसा आएगा, हम लोग इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा। डेरिवेटिव में मैंने उसके दो यूज बताया आपको, एक तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, और दूसरा मैंने यूज बताया कि डेरिवेटिव जो होता है किसी भी पॉइंट पे वहाँ के टेंजेंट का स्लोप बताता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन के बारे में, जिसे मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, और ग्राफिकल व्यू से इंटीग्रेशन क्या करती है, एरिया अंडर द कर्व बताती है। तो वहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटीग्रेशन है एक्सेलरेशन टाइम का, यानी कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना कुछ था हम लोग के ध्यान में, तो यहाँ पे भी दोनों चीज़ का यूज होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कि जो डेरिवेटिव है ये हम लोग को क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज, यानी साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ना, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, और साथ ही साथ क्या बताता है, ये बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एक तरीके से सम्मेशन का ही काम है, जस्ट लाइक ए सम्मेशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, सम्मेशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। और साथ ही साथ इसका मैंने आप लोगों को क्या यूज बताया था, ये बताता है एरिया अंडर ग्राफ, ये हम लोगों ने यूज पढ़ा था। तो अभी जब हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग सीखेंगे काइनेमेटिक्स में, जिसमें हम लोग को एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, इससे रिलेटेड ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। तो अपने पास जो इक्वेशन है उसको फिर से ध्यान दे देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं। हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी एंड वेलोसिटी इक्वल टू कितना, डीएस बाई डीटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहीं से हम लोगों ने क्या लिखा था, डीवी इज इक्वल टू ए डीटी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो dv इक्वल टू ए डी टी, है ना। सपोज कीजिए t1, ये t2, ये v1 और ये v2, तो यहाँ से अपने पास कितना आया था, इंटीग्रेशन v, v1, v2 इक्वल टू ए डी टी t1 से t2, यानी दिस इज इक्वल टू कितना, v2 माइनस v1, दिस इज इक्वल टू ए डी टी t1 से t2, यानी हमने एक ये रिलेशन देख लिया था, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन है। तो इसको याद रखने का कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन है ये डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, एंड जो वेलोसिटी है ये क्या है, इसी को हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखते हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो ये v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, तो यहाँ से हम लोग कैसा लिखेंगे, डी एस इज इक्वल टू v डी टी। अगर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया डी एस इज इक्वल टू v डी टी, तो मान लीजिए ये एस वन है टी वन पे, ये एस टू है ये टी टू पे, तो इसका कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा एस एस वन एस टू, दिस इज इक्वल टू वी डी टी टी वन टी टू। इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, एस टू माइनस एस वन, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
दिस इज इक्वल टू टी वन टी टू भी डी टी, यानी कि देयरफॉर अपने पास इधर से क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा एस दिस इज इक्वल टू कितना टी वन से टी टू भी डी टी। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से जो डेल्टा भी आया एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन और ये जो डेल्टा एस आया वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग चेंज की बात करेंगे, जब भी हम लोग चेंज की बात करेंगे तो इसको हमको हमेशा रखना है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चाहे ये प्लस में आए या माइनस में आए। कभी ऐसा मत कर देना कि बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे यही चेंज होगा, चाहे चेंज प्लस में आए या फिर चेंज माइनस में आए। ठीक है, ओके। बड़े में से छोटा नहीं करने का, फाइनल में से इनिशियल करने का, चाहे फाइनल छोटा हो या बड़ा हो। तो यानी हमें से यहाँ से क्या पता चला कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन का सॉरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो वेलोसिटी है ये डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे भी याद रखेंगे, चलेगा? ठीक है, तो एक ही अपने पास रिवाइज किया हमने। दूसरी बात क्या है कि जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज बताता है और स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ से क्या बताया था डीवी बाई डी टी, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वीटी ग्राफ। तो मतलब कितना पता चला, यानी कि ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी है, यानी एक्सेलरेशन को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोलते हैं, और साथ ही साथ अगर वी और टी का ग्राफ निकालेंगे तो डीवी बाई डी टी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि हम लोग को एक और क्या पता चला कि ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ क्या, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और वेलोसिटी को हम लोग कैसा बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एसटी ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है, और जब आपको ये सारी बातें ध्यान में रहेगी, कंसेप्ट रहेगा, तो ही फिर हम लोग इसका ग्राफ काइनेमेटिक्स में ग्राफ प्लॉटिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो ग्राफ प्लॉटिंग करने से पहले कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जरा देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर की तरह डील करना पड़ेगा। और यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, जितना इम्पॉर्टेंट मैग्नीट्यूड होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन भी होता है ना। तो यानी कि जब भी हम लोग ऐसे ग्राफ वगैरह निकालेंगे या इन पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो सारा कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए, विद अकॉर्डिंग्स टू वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो कैलकुलेशन, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, चलेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर सपोज करो कि हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हम इन सब की बात कर रहे हैं और वे सब केवल एक ही लाइन पे हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हम सपोज करो कि हमारे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई रोड है या कोई पाथ है, सब कुछ इसी पाथ पे हो रहा है, एक लाइन में ही हो रहा है। जैसे कि देखिए, अभी देखो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन जो भी है सब एक ही लाइन में है। अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सब एक लाइन में नहीं है, बार बार डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी जब हम लोग ऐसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन आएगा कि ऑल इफ ऑल दीज आर इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सब केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को लिया जाता है। डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था आई कैप जे कैप के कैप, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करके हम लोग आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखते थे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इनको केवल हम लोग प्लस माइनस लेकर के चलेंगे। क्यों प्लस माइनस लेकर के चलेंगे,
जरा इस चीज को समझ लीजिए। कहता है कि बट इफ ऑल दीज थिंग्स, यानी कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर ये सब केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब एक स्ट्रेट लाइन में ही है, तो हम लोग डायरेक्शन के लिए सिंपली प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं। मतलब कि सपोज करो कि ये ऐसे हम ऑब्जर्वर हैं और कोई भी चीज केवल इसी लाइन में हो रहा है, तो अगर हम एक तरफ अपना एक तरफ प्लस लेंगे तो दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो कि ये कोई ऑब्जर्वर है, इसने क्या किया, अपने इधर राइट साइड को पॉजिटिव कंसिडर किया और लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसिडर किया। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब एक लाइन में हो रहा है, तो जब एक लाइन में हो रहा है तो वहां पे डायरेक्शन में हम लोग आई जे के ना लगा करके सिंपली प्लस माइनस से काम कर सकते हैं। एक तरफ प्लस लिखा, एक तरफ माइनस लिखा तो भी चलता है। तो अगर सब एक ही तरफ हो रहा, तो अगर इसने लिख दिया वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अगर इसने लिखा वेलोसिटी इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब कि वैल्यू -3 नहीं है, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है डायरेक्शन कि एक्सेलरेशन जो जो वेलोसिटी है वो इधर 3 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा। स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है तो वेक्टर क्वांटिटी सारे के सारे वेक्टर्स अगर एक ही लाइन में चल रहे हैं तो हम लोग ऐसे डायरेक्शन के जगह पे प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सपोज करो ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, इस ऑब्जर्वर ने क्या किया, अपने राइट साइड को प्लस मान लिया, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लिया। तो अब इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसने लिखा वी इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिम वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से। इसने लिखा -3 मीटर पर सेकेंड का, इसका मतलब कि स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, माइनस का मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट है, ये पीछे की तरफ जा रहा है 3 से, है ना। अगर इसने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे 20 मीटर में है। अगर इसने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -10 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका डिस्टेंस है 10 मीटर, यानी कि लेफ्ट साइड में है, इसलिए उसने उसको माइनस में लिखा। अगर इसने एक्सेलरेशन लिखा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब कि बॉडी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लग रहा है। अगर इसने लिखा एक्सेलरेशन इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, का मतलब कि बॉडी में एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है। क्लियर है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो होता क्या है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड होता है उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी होता है। हम लोग डायरेक्शन को छोड़ करके ये नहीं चल सकते, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, तो हमने डायरेक्शन के लिए क्या पढ़ा था, आई कैप, जे कैप, के कैप, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, आई कैप, जे कैप यूज करके हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। लेकिन अभी अपने पास क्या है कि इफ ऑल दीज थिंग्स, ये सारे के सारे चीज अगर कोई एक ही लाइन में हो रहा है, सिंपल एक ही लाइन में हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस नोटेशन को यूज ना करके सिंपली प्लस माइनस का नोटेशन भी यूज कर लेंगे ताकि अपने को समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए हमें क्या होता है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू बताना होता है, डायरेक्शन बताना होता है, ठीक। अब जैसे कि हम वो डायरेक्शन प्लस माइनस में हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम इधर प्लस लिखेंगे इधर माइनस लिखेंगे, हमने डिसाइड कर लिया, हमारा आंसर -10 आया, तो इसका मतलब पता चल गया ना कि इधर की तरफ 10 है। अब वो क्वेश्चन में इधर की तरफ अगर एक्स एक्सिस लिया है तो एक्स का आई कैप यूज कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में इधर वाई एक्सिस लिया है तो जे कैप यूज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आंसर को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हम इधर वाले को प्लस मानेंगे, इधर वाले को माइनस मानेंगे, और ये प्लस माइनस के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन किया। अब सपोज करो कि हमारा वैल्यू आ गया इधर की तरफ 20, मान लो हमारा इधर की तरफ वैल्यू आ गया 20, ठीक, ये हमने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया, इधर की तरफ वैल्यू 20 लिख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर एक्स था, इधर माइनस एक्स था, तो अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देना चाहिए वो कितना देना चाहिए, 20 माइनस i कैप देना चाहिए, यानी कि -20 i कैप हो जाएगा। बात वही है कि अगर सब कुछ एक ही लाइन में चल रहा है, सब कुछ एक ही लाइन में चल रहा है, तो हर बार हम लोग ऐसे आई कैप, जे कैप, के कैप ना लिख करके सब कुछ को हम लोग ऐसे प्लस माइनस लिख सकते हैं, यानी एक तरफ प्लस ले लिया और एक तरफ माइनस ले लिया। तो उसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कि दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी एंड इफ ऑल दीज आर हैपनिंग ओनली ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन वी कैन यूज द प्लस और माइनस नोटेशन टू रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। एक तरफ प्लस रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तरफ क्या करेंगे,
माइनस रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैंने ऐसे एक्सेलरेशन लिख दिया माइनस टू मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस टू है, एक्सेलरेशन तो टू ही है, माइनस क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ओके ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि जो स्लोप होता है वो जो लाइन जो एक्सिस के साथ, सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा, वो टेन थीटा कहलाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा हमारे पास स्लोप है, तो जरा सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ऐसे चेंज करते हैं, तो देखते हैं कि टेन थीटा कैसे चेंज होता है। अगर मान लो कि थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, इसका मतलब कि स्लोप कितना होगा, जीरो, तो स्लोप जीरो होगा, इसका मतलब लाइन कैसे आएगा, सीधा आएगा। अगर हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलली कोई लाइन है, तो इसके साथ वो कितना एंगल बना रही है, देखिए पैरेलली है ना, तो ये पैरेलली है, तो थीटा या तो जीरो डिग्री होगा या फिर थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल या तो जीरो ले सकते हैं या फिर 180। तो यानी कि अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, तो स्लोप कितना होगा, जीरो, इसका मतलब कि जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल आएगा। थीटा 30 डिग्री है, तो 1/√3 आया, 45 है तो 1 आया, मतलब कि जब ऐसे थीटा 30 डिग्री रहेगा, तो स्लोप का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन 30 डिग्री, 1/√3 आएगा, 45 है तो 160 है, तो 60 है तो स्लोप आएगा √3, ये हमने बस वैल्यू निकाला है। 90 डिग्री है तो स्लोप कितना है, इन्फिनिटी। तो अगर स्लोप, अगर यहाँ पे स्लोप अगर आ गया, यानी कि दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, सॉरी, स्लोप अगर हमारे पास है टेन 90 डिग्री, यानी कि इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब कि जो लाइन आएगा वो कैसा लाइन आएगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल। तो यानी कि इस सिचुएशन में जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, इस सिचुएशन में लाइन आएगा, लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब कि जब या तो थीटा जीरो हो या 180 डिग्री हो, तो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आएगा। और अगर सपोज करो कि थीटा 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री बन गया, तो इसमें लाइन कैसा आ जाएगा, लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप है इन्फिनिटी, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है वो एक्सिस के साथ, तो वर्टिकल के साथ पैरेलल आएगा। फिर उसके बाद 120 - √3, ये मैंने आप लोग वैल्यू निकालने के लिए सिखाया भी है। और ये मान लो कि मैंने टेन थीटा का ग्राफ निकाल दिया, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। तो ये जो टेन थीटा का ग्राफ है, मैंने क्या बोला था कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है हमेशा, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। अब एक बात यहाँ पे जरा आप नोट कीजिए कि जैसे जैसे जो एंगल है, जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन का एंगल 90 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे टेन थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अभी लाइन सीधा था, तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड है जीरो। अभी लाइन ये 30 डिग्री बन गया, मान लो ये लाइन 30 डिग्री बन गया, तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड 1/√3 आया। लाइन 45 डिग्री बना दिया, लाइन 45 डिग्री बना, तो टेन थीटा का वैल्यू 1 आया। उसी तरीके से देखिए, हम जैसे जैसे थीटा से 90 तक जा रहे हैं, टेन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, 1/√3 जीरो से बड़ा है, 1 इससे बड़ा है, √3 इससे बड़ा है कि नहीं। उसी तरीके से जब हम लोग 180 से 90 की तरफ आ रहे हैं, देखिए 0 से 90 की तरफ गए, मतलब कि ऐसे, कहने का मतलब ऐसा है कि जब हम लोग 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, जब हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। यानी कि जब लाइन ऐसे वर्टिकल की तरफ जा रही है, अभी जैसे कि देखो लाइन ऐसे है, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ है, फिर जैसे जैसे इसका एंगल हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये लाइन वर्टिकल एक्सिस की तरफ जाने लगेगी। तो जब लाइन ऐसे वर्टिकल एक्सिस की तरफ जाने लगेगा, तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री तरफ जा रहे हैं, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
मेरिट रूट बढ़ रहा है। उसी तरीके से जरा देखो, अब हम लोग 180 से 90 की तरफ चलते हैं, तो 180 पे 0 है स्लोप का वैल्यू, फिर 150 पे -1/√3, 135 पे -1 है। तो यहाँ से भी क्या दिख रहा है कि अगर लाइन इधर से भी उठ करके इधर जा रही है, जैसे कि लाइन ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे आया, जैसे ये लाइन ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे आया, फिर ये लाइन ऐसे आया, फिर ये लाइन ऐसे आया, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये लाइन 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रही है, यानी कि इस हॉरिजेंटल से इस वर्टिकल की तरफ जा रही है, तो जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। हालांकि वैल्यू के हिसाब से क्या है, 0 -1/3 से बड़ा है, -1/√3, सॉरी 0 -1/√3 से बड़ा है, ये -1/√3 -1 से बड़ा है, वैल्यू के हिसाब से तो बड़ा है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या पता चल रहा है कि जब जब ये जो लाइन है, ये लाइन है, लाइन ऐसे वर्टिकल की तरफ जा रही है, 180 से 90 की तरफ जा रही है, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड केवल वैल्यू की बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, माइनस साइन हटा दो, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि यहां से हम लोग ऐसा देख करके बता सकते हैं कि जब ये जो लाइन है 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाए या 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाए, है ना, क्या होगा इस दोनों केस में, क्या होगा इन दोनों केस में, होगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजेस, मतलब कि व्हेन लाइन मूव्स टुवर्ड्स द वर्टिकल एक्सिस देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजेस, मतलब कि व्हेन लाइन मूव टुवर्ड्स वर्टिकल एक्सिस देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजेस। उसी तरीके से जब लाइन ऐसे वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जाएगा, इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजेज, यानी कि व्हेन लाइन मूव टुवार्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जब लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जाएगा तो उसका जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, घटेगा। हमें इतना बात ध्यान में रखना है। कैसे हम लोग को पता चल रहा है घटेगा बढ़ेगा, हमने अलग अलग थीटा का वैल्यू लिया और उस अलग अलग थीटा पे हमने टेन थीटा का वैल्यू निकाला, क्योंकि जो स्लोप होता है लाइन का वो होता है टेन थीटा। तो हमने ऐसे एक कुछ 0 से लेकर के 180 तक कुछ ऐसा हमने एंगल लिया और उस एंगल का हमने टेन थीटा निकाला, तो कुछ ऐसा आया वैल्यू। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब 90 की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, चाहे इधर से 90 की तरफ जाएं या इधर से 90 की तरफ जाएं, वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन जब हॉरिजेंटल की तरफ जा रहे हैं तो इधर से हॉरिजेंटल की तरफ जाएं या इधर से हॉरिजेंटल की तरफ जाएं, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ग्राफ से भी हम लोग सेम बात बोल सकते हैं। देखिए, जब एंगल π/2 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। अब हम इधर से π/2 की तरफ भी आएंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ग्राफ भी वही बात बोल रही है कि जब हम लोग π/2 की तरफ बढ़ेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है टेन थीटा का, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी चीज का हम लोग को वापस इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जरा देखिए, मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन इधर में जो आएगा वैल्यू वो माइनस में, इधर में जो वैल्यू आएगा वो प्लस में, इधर में जो वैल्यू आएगा माइनस में, इधर में जो वैल्यू आएगा प्लस में, मतलब कि इधर में जो स्लोप का, अगर जो लाइन है वो इधर से इधर जाए, अगर लाइन इधर से इधर जाए तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, मतलब कि इस क्वाड्रेंट में जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा बट वैल्यू विल बी इन नेगेटिव, लेकिन वैल्यू नेगेटिव में होगा इन दोनों सिचुएशन में। ठीक है, हाँ, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस बट वैल्यू इज इन
नेगेटिव, लेकिन इसमें भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज बट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, इसमें भी मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज एंड वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है फिलहाल तो। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग इसका आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे हमने ऐसे एक चार ग्राफ लिए हैं, अभी इन चारों ग्राफ का हम लोग स्लोप और इसके नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने एक दो तीन चार ये चार ग्राफ लिया, तो इस ग्राफ का नेचर क्या है और इसका स्लोप कैसा है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जरा देखिए, ये पहला ग्राफ है, ये इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरीके से जब ड्रॉ किया हुआ है तो आप कहीं पे भी टेंजेंट खींचोगे तो वो सब एक ही लाइन आएगा। यहाँ पे भी टेंजेंट खींचा तो ऐसे है कि नहीं, जैसे कि देखो ये सीधा है, यहाँ पे भी टेंजेंट खींचेंगे तो इसी लाइन पे आएगा, यहाँ पे भी टेंजेंट खींचेंगे तो इसी लाइन पे आएगा, यहाँ पे भी टेंजेंट खींचेंगे तो इसी लाइन पे आएगा, और सबका जितना भी यहाँ पे टेंजेंट खींचो वो सबका सब क्या है, सेम एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। मतलब कि इस ग्राफ में आप कहीं पे भी टेंजेंट खींच दो, सारा का सारा टेंजेंट सेम एंगल बना रहा है, यानी कि टेंजेंट ये जो एंगल है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जब एंगल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ आ गया, ये आ गया कांस्टेंट स्लोप। कैसा, कांस्टेंट स्लोप, मतलब कि कांस्टेंट स्लोप। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है जिसका, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर सपोज करो कि तुमको वेलोसिटी टाइम का ही ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो आता है उसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। आपको टू ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको दो इम्पोर्टेंट बात है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा कि डिक्रीजिंग आएगा, या फिर और दोनों बात। अगर कोई ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो आप में दो बात ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, यानी कि ग्राफ बढ़ेगा वैल्यू कि घटेगा, और दूसरा जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ ये इंक्रीजिंग आएगा कि डिक्रीजिंग आएगा। मतलब कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये दो बातें पता होनी चाहिए। जब भी हम लोग ऐसे काइनेमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दो बात आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और ग्राफ का स्लोप का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अभी हम इसके बात करते हैं। तो जैसे कि ये जो ऐसे लाइन आ रहा है तो हर जगह पे टेंजेंट अगर खींच रहे हैं तो सेम ही टेंजेंट आ रहा है, सेम टेंजेंट आ रहा है, तो एंगल सेम आ रहा है, तो एंगल सेम आ रहा है यानी कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कि इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट स्लोप है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो अगर स्लोप किसी किसी कर्व का स्लोप अगर कांस्टेंट आए तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और साथ ही साथ जरा देखिए ये कैसा है, इधर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वर्टिकल में भी वैसे वैसे वैल्यू इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वर्टिकल में वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये है इंक्रीजिंग ग्राफ, ये है इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इसका मतलब क्या पता चला, इंक्रीजिंग ग्राफ एंड कॉन्स्टेंट स्लोप। तो मिला जुला करके क्या पता चल रहा है कि अगर कोई ग्राफ, अगर किसी चीज का वैल्यू बढ़ रहा है, किसी चीज का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन उसका स्लोप कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने का चांसेस है। क्लियर है, यानी कि फॉर समथिंग अगर हम लोग किसी चीज का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, और हमको इतना पता चल गया कि ये फंक्शन बढ़ेगा लेकिन इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो उस फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, सीधा आएगा। पहली बात, अब जरा इस ग्राफ को देखिए, हम लोग जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्स में आगे जा रहे हैं तो वाई में भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स में आगे जा रहे हैं तो वाई में भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा आ गया, ये ग्राफ आ गया इंक्रीजिंग ग्राफ, यानी ये इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, ये इंक्रीज है ना।
और अगर हम लोग अब इसके स्लोप की बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पे टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट ऐसा आया, सपोज करो कि हमने यहाँ पे टेंजेंट खींचा ऐसा आया, यहाँ पे टेंजेंट खींचे ये एंगल आया, यहाँ पे टेंजेंट खींचे ऐसे आया एंगल, तो क्या पता चल रहा है कि इस ग्राफ में जैसे जैसे हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं, ये टेंजेंट किधर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल एक्सिस की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे टेंजेंट ऐसा है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे, तो टेंजेंट किधर से किधर जा रहा है, हॉरिजेंटल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है, और जब टेंजेंट हॉरिजेंटल से वर्टिकल की तरफ जाए तो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग स्लोप। अभी मैंने बताया कि जब टेन थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री की तरफ जाए तो क्या होता है, इंक्रीजिंग स्लोप। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इसका जो टेंजेंट है वो इधर से 0 से 90 की तरफ जा रहा है, जो टेंजेंट है वो 0 से 90 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चल जाएगा, ये आ जाएगा इंक्रीजिंग स्लोप। तो मतलब क्या पता चला कि अगर ग्राफ भी इंक्रीजिंग है और स्लोप भी इंक्रीजिंग है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अभी हम लोग बस नेचर की बात कर रहे हैं, अभी बस हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं, तो क्या पता चला कि अगर ग्राफ भी इंक्रीजिंग है और स्लोप भी इंक्रीजिंग है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना। थर्ड ग्राफ को देखिए जरा, हम लोग जैसे जैसे एक्स में बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे हॉरिजेंटल में जा रहे हैं, वर्टिकल वैल्यू भी बढ़ रहा है, हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वर्टिकल में भी वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ आ गया, ये आ गया इंक्रीजिंग ग्राफ। कैसा आ रहा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। ठीक, अब इसकी स्लोप की बात करते हैं, तो अभी टेंजेंट ऐसे है, फिर टेंजेंट ऐसे हो गया, टेंजेंट ऐसे हो गया, फिर टेंजेंट ऐसे ऐसे, तो मतलब क्या देख रहे हैं कि इसका जो टेंजेंट है ये वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जा रहा है, मतलब इस ग्राफ में टेंजेंट वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जा रहा है। तो जब वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाए तो क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो इसका मतलब ये क्या आया, ये आया अपने पास डिक्रीजिंग स्लोप। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि आपको किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको पता चल गया कि वो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है लेकिन उसका स्लोप डिक्रीजिंग है तो कुछ इस टाइप में ग्राफ आएगा, है ना। अगर पता चल गया कि फंक्शन भी इंक्रीजिंग है स्लोप भी इंक्रीजिंग है तो कुछ इस टाइप में ग्राफ आएगा, और ये पता चल गया कि फंक्शन भी इंक्रीजिंग है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। चाहे वो स्ट्रेट लाइन, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा 0 से ही स्टार्ट हो, हमने यहाँ पे ग्राफ को 0 से स्टार्ट कराया है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, वो तो वैल्यू रहेगा दिया हुआ, फंक्शन का 0 पे कितना वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ को स्टार्ट कराएंगे। अब जैसे कि देखिए कि मान लो हमारे पास ऐसे ग्राफ आया, ये ऐसे आया, तो ये भी जैसे जैसे हम लोग एक्स में आगे बढ़ रहे हैं वाई में बढ़ रहा है ना, ये यानी हॉरिजेंटल में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वर्टिकल में बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है और कॉन्स्टेंट स्लोप है, तो ये कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। तो दिमाग में इतना ध्यान में रखना है कि अगर स्लोप कॉन्स्टेंट है और ग्राफ इंक्रीजिंग है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कॉन्स्टेंट स्लोप के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ग्राफ भी इंक्रीजिंग है तो ऐसे अरे ऐसे। और इतना बात ध्यान में रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि देखो इसी सिचुएशन में मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तो भी वही चीज़ है ना, जैसे जैसे हम लोग हॉरिजेंटल में जा रहे हैं वर्टिकल में वैल्यू बढ़ रहा है, और इसका जो टेंजेंट है वो किधर जा रहा है, वर्टिकल की तरफ जा रहा है, 0 से वर्टिकल की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ एंड इंक्रीजिंग स्लोप। तो उसी तरीके से आप अब फोर्थ ग्राफ की बात कर लेते हैं। फोर्थ ग्राफ कैसा है, हम लोग जैसे जैसे एक्स में बढ़ रहे हैं, हॉरिजेंटल में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वर्टिकल में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा आ गया, ये आ गया, ये आ जाएगा कांस्टेंट ग्राफ। ये कैसा है, कांस्टेंट ग्राफ, मतलब कि हम लोग एक तरफ से तो हॉरिजेंटल में बढ़ रहे हैं लेकिन वर्टिकल में नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ग्राफ कहलाएगा, है ना। और इसका स्लोप जरा देखो, इसका स्लोप भी चेंज नहीं हो रहा, हर जगह पे जो टेंजेंट है वो सीधा ही है ना, हर जगह पे जो टेंजेंट है वो भी क्या है, सीधा है, यानी ये भी कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट स्लोप, और उसमें स्लोप कितना है, इसमें स्लोप है 0, इसमें स्लोप है 0, यानी कि ग्राफ कांस्टेंट है और स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप वाला हमेशा कैसा आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो यानी कि अगर आपको कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है
तो आप इतना ध्यान में लगा लीजिए कि उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चलेगा? ठीक है। तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जो टेंजेंट है, इस सिचुएशन में टेंजेंट 90 से 0 जा रहा है, इसमें टेंजेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल से 90 की तरफ जा रहा है, यानी 0 डिग्री की तरफ से 90 डिग्री की तरफ, इसमें 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ। तो यानी कि जब हॉरिजॉन्टल की तरफ जाता है तो स्लोप डिक्रीजिंग, और वर्टिकल की तरफ जाता है तो स्लोप इंक्रीजिंग। ओके ठीक। तो अभी इसी पे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम अब कुछ दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया और एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज दैट। अब हमको इस ग्राफ के नेचर के बारे में पता करना है। तो देखो हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में आगे जा रहे हैं तो वर्टिकल में वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब ग्राफ नीचे आ रहा है। जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहे हैं वर्टिकल में क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, चलते ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। दूसरी बात, घट रहा है ना तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग मान करके चलेंगे। ये अभी हम लोग टेक्निक सीख रहे हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है काइनेमेटिक्स में ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अभी बस हम लोग टेक्निक सीख रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं सीख रहे हैं, बस कैसे ग्राफ को पकड़ में आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सीख रहे हैं। वो सीखने के बाद असल में ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। अब जरा देखिए, इसमें आप टेंजेंट खींचिए कहीं पे भी, ये टेंजेंट खींचा यही लाइन आया, यहाँ पे भी टेंजेंट सेम लाइन आया, यहाँ पे भी टेंजेंट सेम लाइन आया, यानी हर जगह पे टेंजेंट क्या आ रहा है, सेम लाइन आ रहा है। तो यानी कि कहीं पे भी आप टेंजेंट खींचो, टेंजेंट का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि टेंजेंट का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा आ गया, ये आ गया कॉन्स्टेंट स्लोप। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि कॉन्स्टेंट स्लोप है, और मैंने बताया था कि जब भी स्लोप कॉन्स्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा, सीधा ही होगा, सीधा ही बना। लेकिन अभी क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। इसमें जरा देखिए, हम लोग जैसे जैसे एक्स में हॉरिजॉन्टल में आगे जा रहे हैं, वर्टिकल में वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल में आगे जा रहे हैं, वर्टिकल में वैल्यू नीचे आ रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी है डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अब जरा स्लोप की बात करते हैं। देखिए टेंजेंट अभी यहाँ पे ऐसे है सीधा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब टेंजेंट क्या हो रहा है, इधर 180 तरफ से किधर जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना। यानी कि टेंजेंट भी क्या जा रहा है, 180 से 90 की तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जब टेंजेंट जाता है तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग स्लोप। मतलब क्या पता चला, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है लेकिन स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। उसी तरीके से इसको भी देखो, हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, इसका वैल्यू वर्टिकल में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ रहे हैं, वर्टिकल में वैल्यू कम हो रहा है। इसलिए क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। ग्राफ डिक्रीजिंग है। और स्लोप देखो जरा, अभी टेंजेंट ऐसे है, फिर टेंजेंट ऐसे आया, टेंजेंट ऐसे आया, टेंजेंट ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि टेंजेंट क्या हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। टेंजेंट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। तो जब टेंजेंट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जाए तो यो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा डिक्रीजिंग स्लोप। तो मतलब हम लोगों को ऐसा कुछ तो पता चल गया, डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग स्लोप। मतलब कि बस टेंजेंट का ख्याल रखना है तुमको। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको दो बात का ख्याल रखना है कि जिसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो, उसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और उसके स्लोप का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर ये दो बातें आपको पकड़ में आ गई तो आप लोग आसानी से काइनेमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, चाहे किसी भी चीज का ग्राफ निकालना रहे, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, किसी का भी ग्राफ निकालना रहे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो दो बात ध्यान में रखना है, ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस तरीके से बता देंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि ग्राफ तो डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहे हैं तो वर्टिकल में नीचे आ रहा है, स्लोप किधर जा रहा है, टेंजेंट किधर जा रहा है, 90 की तरफ, तो इंक्रीजिंग स्लोप और ये डिक्रीजिंग स्लोप। हो गया इतना काम, ठीक है। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपको टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाए तो इसका मतलब क्या है,
स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और अगर टेंजेंट वर्टिकल से हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ जाए तो स्लोप का मैग्नीट्यूड घट रहा है। एग्जाम्पल भी देख लिया। अब जरा देखिए, अगर हम लोग अब काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब एक ही लाइन में हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन के जगह पे आई कैप, जे कैप, के कैप ना लिख करके अगर एक ही लाइन में हो रहा है तो एक तरफ के डायरेक्शन को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और एक तरफ के डायरेक्शन को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास काइनेमेटिक्स में आएगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा और एक नेगेटिव डायरेक्शन आएगा, यानी एक तरफ प्लस लिया है, एक तरफ, यहाँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस और नेगेटिव डायरेक्शन केवल डायरेक्शन के लिए, वैल्यू के लिए नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे कि मैंने बोल दिया फोर्स इज इक्वल टू -10 न्यूटन, तो इसका मतलब समझिए कि फोर्स 10 ही लग रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। अब नेगेटिव डायरेक्शन अगर हमने इधर लिया है तो 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन अगर इधर लिया है तो 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन हमने नीचे माना है तो 10 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब एक लाइन पे काम कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन को ओनली प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे काइनेमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन पे ही सारा मोशन हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में ही हो सके कि बॉडी का वेलोसिटी आगे हो लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, तो यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मान लिया कि बॉडी इधर से आ रहा है, बॉडी इधर से आ रहा है, तो वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखने का। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप का कॉन्सेप्ट देखा, तो यहाँ पे बात ध्यान में रखना है कि अगर अगर स्लोप वर्टिकल से यानी कि 90 से 0 की तरफ जा रहा है, अगर स्लोप 90 से 0 की तरफ जा रहा है, हालांकि हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ जाता है तो डिक्रीजिंग, तो अगर स्लोप 90 से 0 की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग, लेकिन किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीजिंग, और 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग, लेकिन किधर इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दो डायरेक्शन डिसाइड किया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ये अपने को पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसी चीज को दो पार्ट में कर दिया है। ठीक है, एक पार्ट ऐसा कर दिया कि अगर स्लोप 90 से 0 की तरफ जा रहा है, टेंजेंट 90 से 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी कि डिक्रीजिंग है, लेकिन किधर डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है। 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, लेकिन किधर इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है। सिमिलरली 90 से 180 की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, लेकिन किधर डिक्रीजिंग है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है, और अगर 180 से 90 की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक दो एग्जाम्पल मैं कराता हूं आपको। सपोज करो कि मैंने कुछ ऐसे कर दिया, मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, सपोज दैट, है ना, ये ग्राफ ऐसे बनाया और ये ग्राफ ऐसे बनाया, सपोज। अब जरा हम इस ग्राफ की बात करते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब जरा देखो इस ग्राफ में, जैसे जैसे हम लोग हॉरिजेंटल में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वर्टिकल में नीचे जा रहे हैं, यानी हॉरिजेंटल में आगे जा रहे हैं और वर्टिकल में नीचे जा रहे हैं, तो वर्टिकल में जब नीचे जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, हालांकि माइनस में आ रहा है, -1 -2 -3, अगर आप माइनस पार्ट हटा दो, केवल मैग्नीट्यूड देखो, तो क्या पता चल रहा है कि ये भी ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, लेकिन किधर इंक्रीजिंग है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में ना इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या पता चला, ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, किधर इंक्रीजिंग ग्राफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये स्लोप देखिए जरा, स्लोप किधर आ रहा है, ऐसे स्लोप आ रहा है, किधर, वर्टिकल से 180 की तरफ आ रहा है, तो वर्टिकल से 180 की तरफ अगर स्लोप आए तो वो क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप, किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये अपने पास एक आया। इस ग्राफ के नेचर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इस ग्राफ को जरा देखो, जैसे जैसे हम लोग हॉरिजेंटल में बढ़ रहे हैं वर्टिकल में भी वैल्यू बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, हॉरिजेंटल में आगे जा रहे हैं वर्टिकल में नीचे जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी हो गया इंक्रीजिंग ग्राफ इन नेगेटिव डायरेक्शन,
ये हम लोग अभी ग्राफ सीख रहे हैं काइनेमेटिक्स के हिसाब से, ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है नेगेटिव डायरेक्शन में। स्लोप की बात करें तो देखिए टेंजेंट किधर जा रहा है, टेंजेंट हॉरिजेंटल से, टेंजेंट हॉरिजेंटल से किधर जा रहा है, वर्टिकल की तरफ जा रहा है। तो ये कैसा आ जाएगा, ये जा रहा है इंक्रीजिंग स्लोप इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप किधर बढ़ रहा है, ग्राफ किधर बढ़ रहा है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, ये हम लोग यहाँ से चेक करना सीख लिए, है ना। तो अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। सपोज करो ये एस है और ये टी है, सपोज दैट ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये क्या होता है, भी होता है ना, यानी दैट इज डीएस बाई डी टी, यही स्लोप होता है, चलेगा। तो अभी जरा हम इस ग्राफ की बात करते हैं, मान लो ये जीरो, ये टी वन और ये टी टू। तो जीरो से टी वन तक, जीरो से टी वन तक जरा देखिए क्या हो रहा है, जीरो से टी वन तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी कि जीरो से टी वन तक ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग, यानी कि जीरो से टी वन तक, जीरो से लेकर के टी वन तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। और इसका स्लोप क्या है जरा देखिए, स्लोप स्लोप किधर आ रहा है, वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ आ रहा है ना, वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ आ रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है इसका, स्लोप बोले तो क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किधर डिक्रीज हो रहा है, स्लोप किधर डिक्रीज हो रहा है, इधर, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब टी वन टू टी टू, टी वन टू टी टू देखो, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो जब हम लोग टी वन से टी टू में आगे जा रहे हैं तो ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे। तो टी वन से टी टू में क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा है, ये डिक्रीजिंग है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। और जो स्लोप है, यानी कि स्लोप मतलब क्या, वेलोसिटी, इसका जो स्लोप है यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, जरा देखो कैसे जा रहा है, ऐसे स्लोप किधर जा रहा है, टेंजेंट किधर जा रहा है, हॉरिजेंटल से वर्टिकल, हॉरिजेंटल से वर्टिकल जा रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, किधर, इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहां से हमने ये पता कर लिया। तो आप लोग इतना पढ़ करके इसका नोट बना करके रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। एक ग्राफ दिया रहेगा एक्सेलरेशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। और जो अदर गिवन ग्राफ्स होंगे वी टी एस टी का, उसका हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे।